भाग में आपने देखा, झरना और मीरा अपने माता पिता के साथ पुरानी हवेली में छुट्टियां बिताने जाती हैं। वहां झरना मीरा का असली चेहरा देख लेती है। झरना के वहां से भागते वक्त मीरा झरना को छत से नीचे फेंक देती है। इसके कुछ दिनों बाद प्रतिभा मीरा को खाने पर बुलाते वक्त मीरा का असली चेहरा देख लेती है। अब आगे मीरा का ये रूप प्रतिभा और कमल को बहुत चिंता में डाल देता है। वो मीरा को घर पर बंद करके एक तांत्रिक के पास समस्या का समाधान ढूंढने निकल पड़ते हैं। तेरी बेटी के शरीर में जो प्रेतात्मा है वो बहुत भयंकर है। उसे इतनी आसानी से उसके शरीर से निकाल पाना संभव नहीं है। बाबा बाबा, फिर अब क्या उपाय है? उपाय सुने को उपाय है, काल पिशाचनी यज्ञ करनी पड़ेगी। काल पिशाचनी यज्ञ? हाँ, इस यज्ञ में पिशाचनी को रक्तपान करवाना पड़ेगा, तभी उस पिशाचनी को मीरा के शरीर से दूर करना संभव होगा। लेकिन खून, खून कहाँ से मिलेगी? किसी और का खून नहीं, तुम दोनों का खून ही उस पिशाचनी को वश में ला सकेगी। ठीक है बाबा, हम अपनी बेटी के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। तांत्रिक के कहे मुताबिक वो दोनों सामने पड़े हुए एक चाकू से अपने हाथ काट देते हैं। और दोनों के हाथों से टपक टपक कर गिरते हुए खून एक कटोरे में जमा हो जाता है। उस खून को लेकर तांत्रिक यज्ञ करना आरंभ कर देता है। उसके बाद वह मंत्र के अनुसार खून प्रतिभा के हाथों में रख देते हैं। आज अमावस्या है, आज ही उस पिशाचनी को मीरा के शरीर से भगाना पड़ेगा। ये जो शांति जल देख रहे हो, रक्तपान करने के बाद यह जल उसके शरीर में छिड़क देना पड़ेगा, तभी वो शैतान पिशाचनी भाग जाएगी। आओ मेरे साथ। इसके बाद तांत्रिक को साथ लेकर प्रतिभा और कमल फिर से अपने घर लौट आते हैं और मीरा के कमरे में चले जाते हैं। मीरा तब कमरे से निकलने के लिए पागलपंती करने लगती है। कमरे में सब कुछ तबाह कर देती है। प्रतिभा और कमल को साथ लेकर तांत्रिक मीरा के कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर प्रवेश करता है। तांत्रिक को देखकर मीरा और भी भयानक रूप धारण कर लेती है और उसकी आंखें जोरों से जलने लगती है। यह सब देखकर तांत्रिक बहुत घबरा जाता है। क्यों तांत्रिक, क्यों मुझे यहाँ से भगाने के लिए तू तांत्रिक को यहाँ ले आया है ना? असंभव, कभी नहीं कर पाएगा। मुझे कभी भी यहाँ से भगा नहीं पाएगा। और तभी तांत्रिक जोर से चंडी पाठ करने लगता है। ओम श्री चंडी माताय नमः। उसे चुप रहने को बोल, चुप रहने को बोल उसे। चंडी माता, चुप हो जा। ओम श्री चंडी माताय नमः। कौन है तू? क्यों यहाँ आई है? क्यों यहाँ आई है बोल। बदला, बदला लेने आई हूँ मैं। किसका बदला? किससे बदला लेना चाहती है तू? सबसे बदला लेना चाहती हूँ मैं। पूछ, पूछ उससे, आज से 15 साल पहले क्यों, क्यों उन लोगों ने मुझे मार डाला था? क्यों? प्रीति, मैं तुम्हारी पहली बीवी, याद आया? तुम इतने सालों बाद लौट आई हो,
लौट आई हूँ, मेरी बेटी के शरीर में लौट आई हूँ। तुम लोगों से बदला लेने के लिए। याद है ठीक 15 साल पहले तुम दोनों ने अपने प्यार के लिए किस तरह मुझे जहर देकर गला दबाकर मार डाला था, याद है तुमको? हाँ, मैं छोड़ दूँ, हमसे गलती हो गई है। गलती तो तुम लोगों ने उस दिन किया था मुझे मार के। मैं मरना नहीं चाहती थी, मैं तो कमल की जिंदगी से चली जाना चाहती थी, लेकिन तुम लोगों ने मुझे जिंदा रहने नहीं दिया। क्या सोचा था मुझे मार कर तुम लोग खुशी की जिंदगी जियोगे? आज तुम्हारी की हुई उस गलती की प्रायश्चित करना पड़ेगा अपनी जान गवाकर। तांत्रिक को भगवान का नाम लेते देखकर पिशाचनी और भी गुस्से में आ जाती है और अचानक उस कमरे में बहुत जोर से हवा बहनी शुरू हो जाती है। पिशाचनी अपने लंबे हाथों से तांत्रिक का गला पकड़ लेती है। जोरों से गला दबाने पर तांत्रिक की आंखें बाहर निकल आती है और तांत्रिक दर्द से छटपटा उठता है। तांत्रिक बाबा को छोड़ दो प्रीति, तांत्रिक बाबा को छोड़ दो। तांत्रिक के मुंह से गलगल कर खून निकलने लगती है। तांत्रिक का पूरा शरीर जमीन में गिर जाता है। प्रतिभा दौड़कर भागने लगती है, लेकिन पिशाचनी अपने लंबे हाथों से प्रतिभा के बालों को पकड़ लेती है और प्रतिभा को झरना की तरह बालकनी से फेंक देती है। मुझे माफ कर दो प्रीति, मुझे माफ कर दो। आज 15 सालों से बदला लेने के लिए मैं पागल हो रही थी। याद है इस हवेली में तुम दोनों ने मिलकर मुझे किस तरह मार डाला था? अगर मैं चाहती तो तुम दोनों को बहुत पहले ही मार देती, लेकिन मैं चाहती थी तुम सबको यहाँ लेकर आने के बाद मारूंगी, इसीलिए इतने दिन इंतजार किया था। आज यहाँ मैं अपना बदला लूंगी। मीरा के शरीर के अंदर से प्रीति अपने दोनों हाथों से कमल के गले को पकड़ लेती है और अपने 15 सालों का बदला ले लेती है। बहुत ही दर्द से छटपटाते हुए कमल जमीन पर गिर पड़ता है और तुरंत ही मर जाता है। कमल की मौत के बाद प्रीति अपनी बेटी मीरा का शरीर छोड़ देती है। माँ, माँ कहाँ जा रही हो आप? मेरा काम खत्म हुआ, अब तो मुझे लौट जाना पड़ेगा। मत जाओ माँ, मुझे छोड़कर मत जाओ। दुखी मत होना, याद रखना मैं हमेशा तुम्हारे पास ही रहूंगी। इसके बाद प्रीति हमेशा के लिए मीरा का शरीर त्याग कर उस घर को छोड़कर चली जाती है और मीरा भी उस पुरानी हवेली को त्याग कर शहर लौट आती है और यही खत्म होता है 15 सालों का एक लंबा इंतजार।